नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों अभी 6 बजे हैं सुबह के और मैं यहाँ पर ग्राउंड में हूँ। अभी वॉकिंग कर रहा हूँ, फिर एक्सरसाइज वगैरह करूँगा। तो दोस्तों आज अगर समय मिलता है तो आपको एक ऐसी जगह ले चलूँगा जहाँ आप जाकर बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। बहुत बढ़िया जगह है, आपको बताऊंगा नहीं कहाँ ले चलूँगा। अगर संभव हुआ तो ले जाऊँगा, क्योंकि आज का दिन थोड़ा बिजी है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको ले जाऊँ। दोस्तों मैं निकल पड़ा हूँ अपनी राम प्यारी पर सवार होकर और कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे। आज थोड़ी हल्की धूप है, बादल है, बादल छाए हुए हैं और कल शाम को यहाँ थोड़ा बूंदाबांदी भी हुई थी, पानी वगैरह गिरा था, नहीं तो बहुत तेज़ धूप रहती है। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, माँ बड़ी खेरमाई मंदिर रांची इंजीनियरिंग कॉलेज, यहीं पर आपको लाने की बात कर रहा था। आइए दर्शन करते हैं, चलिए। आम आ गए हैं, कितना सुंदर नज़ारा है, चलिए अंदर चलते हैं, दर्शन करिए बड़ी खेरमाई माँ के। आइए दर्शन करिए माँ के श्री चरणों के। जय माँ खेरमाई, जय माता रानी, जय मैया। दोस्तों जब से मैंने होश संभाला है, ये मेरे जीवन का वो पहला मंदिर है जहाँ मैं आया करता था अपनी मम्मी पापा के साथ, आज भी आता हूँ। जय माँ खेरमाई, माता रानी की हम पर बड़ी कृपा है। जय माँ बड़ी खेरमाई, जय माता दी। आइए एक चक्कर लगा लेते हैं। जय मैया, जय माता दी, जय माता दी, जय मैया, जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों आप जो ये पेड़ देख रहे हैं, ये बहुत पुराना पेड़ है, लगभग 30 साल तो पुराना है ही, मेरे देखते हुए 30 साल तो हो ही गए हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा पुराना है और इसे बेहरा का पेड़ कहते हैं। दोस्तों ये जो आप पिंडियाँ देख रहे हैं, ये माता के 9 रूपों की अलग अलग पिंडियाँ हैं, यहाँ पर रखी हुई हैं। आइए आपको दर्शन कराता हूँ एक एक पिंडी के। यहाँ पर भी एक पिंडी थी जिसे अलग कर दिया गया है, एक पिंडी यह है। जय अम्बे मैया। माता के जो 9 रूप होते हैं उनका ये प्रतीक है ये पिंडियाँ। जय अम्बे मैया, जय अम्बे मैया। दर्शन करिए दोस्तों माँ के पिंडी स्वरूप के। जय माता दी। आइए दोस्तों अब आपको दर्शन करवाता हूँ महाकाली के। यहाँ ये महाकाली मंदिर स्थापित हुआ है, हालांकि ये अभी बना है, कुछ साल पहले ही, पहले नहीं था ये। जय महाकाली, जय माँ भगवती, जय माता रानी, अपनी कृपा सब पे बनाओ माँ। जय माता दी। एक पिंडी यह है। जय अम्बे मैया, जय माँ शेरवाली। ऐसी 9 पिंडियाँ हैं, एक ये है, माँ के 9 रूपों का प्रतीक है ये सभी पिंडियाँ। आइए दर्शन करते हैं अब भगवान शनि महाराज के। सूर्यपुत्र भगवान शनि महाराज की जय। जय जय शनि महाराज। हे प्रभु सभी पर अपनी कृपा करो और सभी के कष्ट हरो। जय शनि महाराज, जय जय शनि महाराज, जय प्रभु। दोस्तों आप भी दर्शन करिए शनि महाराज के। आइए दोस्तों अब आपको दर्शन करवाते हैं भैरव बाबा के। ये जो मंदिर देख रहे हैं ये बहुत पुराना है, कुछ परिवर्तन हुआ, बस टाइल्स लगी है नई, बाकी ये मूर्ति बहुत पुरानी है। जय श्री भैरव बाबा की जय। जय प्रभु, जय भैरव बाबा, जय प्रभु। वही घंटी है, सब कुछ वही है। आइए दोस्तों अब आपको दर्शन करवाते हैं श्री हनुमान जी महाराज के। ये भी बहुत पुराना मंदिर है, जब मैं 10वीं पास किया था तब यहाँ पर मैंने लड्डू चढ़ाए थे श्री हनुमान जी महाराज को। ये वही मंदिर है, 2004 में 10वीं पास किया था मैंने,
जय जय श्री राम जी, जय श्री राम महाराज, जय प्रभु, जय भगवान, जय जय श्री राम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय श्री राम जी, जय जय हनुमान जी महाराज, जय प्रभु, जय हनुमान जी। दोस्तों आप भी दर्शन करिए, बहुत ही प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का ये। जय जय श्री राम, बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं प्रभु के। जय हनुमान जी महाराज। दोस्तों यहाँ पर शिवलिंग है, नंदी महाराज हैं, और यहाँ पर एक और नया मंदिर बन रहा है श्री गणेश भगवान का, कुछ दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। आइए आप दर्शन करें पिता श्री के। हर हर महादेव शंभु, जय भोलेनाथ जय महादेव। दोस्तों आप सोच रहे होंगे तीन तीन शिवलिंग। दरअसल क्या है कि जो लोग घर में पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं और उनके घर में शिवलिंग है, तो वो शिवलिंग को यहाँ मंदिर पर छोड़ देते हैं ताकि उनकी पूजा होती रहे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, जय श्री नंदी महाराज की जय। दोस्तों देखिए कितने सारे कुत्ते यहाँ मंदिर में बैठे हैं, कोई आराम कर रहा है, कोई लेटा है, सब आराम कर रहे हैं प्रभु की शरण में। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव शंभु। दर्शन करिए माता के श्री चरणों के। जय माता रानी, जय अम्बे मैया, जय माँ भवानी, जय माता दी। आप भी दर्शन करिए दोस्तों, माता का आशीर्वाद प्राप्त करिए। जय माता रानी। आइए दोस्तों आपको मंदिर का थोड़ा नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखता है ये मंदिर। बहुत बड़ा क्षेत्र था लेकिन अभी छोटा कर दिया गया है। इधर भी मंदिर है, उधर आगे एक पशुपतिनाथ महादेव मंदिर है। ये देखिए श्री पशुपतिनाथ मंदिर, ये अभी नया निर्माण हुआ है इस मंदिर का, 4 या 5 साल ही हुए होंगे। ये देखिए ये पूरा एरिया जंगल था, बहुत घने घने पेड़ थे यहाँ पर, लेकिन अब नहीं है। कुछ सरकारी भवन भी बन गए यहाँ पर। ये पुराने ज़माने का खंडर हो चुका घर है। आइए दर्शन करते हैं श्री पशुपतिनाथ महादेव के। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया है, बहुत ही सुंदर। जय श्री नंदी महाराज की जय। बहुत ही सुंदर नंदी महाराज। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय नंदी महाराज, जय श्री नंदी महाराज, जय प्रभु। अरे मैं जब भी आता हूँ मंदिर में ताला ही लगा रहता है, लेकिन दर्शन तो करेंगे प्रभु के। पर्दा नहीं लगा, बस ताला ही बस लगा है, दर्शन तो हो जाएंगे। जय श्री पशुपतिनाथ, जय श्री पशुपतिनाथ, हर हर महादेव। शायद अष्टमुखी पशुपतिनाथ शिवलिंग है ये। जय भोलेनाथ। अष्टमुखी है कि पंचमुखी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, क्योंकि मैं भी पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पर। आप दर्शन करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये अष्टमुखी शिवलिंग है या पंचमुखी शिवलिंग है। जय भोलेनाथ। दर्शन का लाभ लीजिए दोस्तों, आप भी दर्शन करिए। हर हर महादेव शंभु, जय भोलेश्वरा जय भोलेश्वरा। बहुत ही सुंदर शिवलिंग है, बहुत ही बढ़िया, ऐसा लगता है प्रभु हमें देख रहे हैं, हालांकि देख ही रहे हैं। दोस्तों रास्ते में एक ये पोस्टर दिख गया तो सोचा आपको दिखा दूँ और शेयर कर दूँ। दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि सड़कों पर, चौराहों पर, मॉल के आसपास, बाजारों में छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं। ये एक धंधा शुरू हो गया है छोटे बच्चों से भीख मंगाने का, ये बहुत ही बड़ा अपराध है। उसी के तहत सरकार ने ये मुहिम चालू की है। आप भी ये नंबर नोट कर लीजिए, और आपके आसपास भी ऐसे बच्चे दिखे तो तुरंत इन नंबरों पर फ़ोन करके उनकी हेल्प करें। ये देखिए कितनी सुंदर बात लिखी है, सच है लेकिन कड़वी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।